Hi, this is Priyanka. You're watching It's Simple and this video is all about all the questions you ask from It's Simple. So let's start. Okay, so मैंने exact form में questions लिखे हैं जिस form में पूछे गए थे. दीदी स्टोरी तो अच्छी है और सच्ची है. मेरे पापा और मॉम मुझे PCM दिलवाना चाहते हैं चाह रहे थे बट आई टुक कॉमर्स विद मैथ्स कॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ CA एंड इवन माई रिलेटिव्स ऑफ माइंड इज़ नॉट सपोर्टिंग मी. क्योंकि तुमने कॉमर्स ले ही ली है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें PCM दिलवाना चाहते थे, तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि तुम कॉमर्स में अच्छे मार्क्स लाओ और अपने आप को प्रूव करो कि तुम्हारा डिसीजन कॉमर्स लेने का बिल्कुल ठीक था और तुम CA बनने के लायक हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या मैं 11th क्लास में CBSE से अपने अकॉर्डिंग साइंस ले सकती हूँ अगर मुझे आर्ट्स की परसेंटेज मिलती है तो? व्हाट शुड आई डू? अगर आर्ट्स की परसेंटेज मिलती है तो 11th में साइंस नहीं मिलेगी किसी भी तरीके से, चाहे तुम प्रिंसिपल से जाकर रिक्वेस्ट क्यों ना कर लो. नेक्स्ट इज़, विच अमंग ऑफ दीज फील्ड्स यील्ड मोर मनी? ओके, सो फिज़िक्स की टीचर को एक बार मैंने सुना था मेरे स्कूल वाली, दैट शी वॉज सेइंग कि उसकी एक मंथ की फ़ीस है 1 लाख रुपीज़ एंड BA और BCom तो जिसको देखो लेता रहता है. इंजीनियरिंग की भी काफ़ी अच्छी है. एक्चुअली यार फ़र्क नहीं पड़ता तुम किस फील्ड में जा रहे हो, अगर तुम बेस्ट हो ना तो तुम्हारी सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग होगी. मतलब जो फिज़िक्स में हायर क्लासेस को पढ़ा रहा है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, जो फिज़िक्स में लोअर क्लासेस को पढ़ा रहा है मतलब 8th 9th को पढ़ा रहा है उसकी सैलरी कम होगी रादर देन 11th और 12th को पढ़ाने वालों से. तो यार ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन सा पैसों के हिसाब से फील्ड में चूज़ करो, तुम ये देखो कि किस चीज़ में तुम बेस्ट हो. कि अगर तुम किसी भी एक फील्ड में बेस्ट हो ना तो तुम अपने आप ही उसमें अपना रास्ता निकाल ही लोगे. जो भी तुमसे पढ़ा जा रहा है, चाहे वो बायोलॉजी है चाहे इंजीनियरिंग है, पर एक चीज़ पे फोकस रहो. ये नहीं कि यहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे भी जा रहे हैं, एक ही चीज़ पे रहोगे. अगर तुम उस फील्ड में एक्सेल कर गए, बाकी सारे बच्चों से तुम अच्छे हुए, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी. नेक्स्ट इज, कैन आई चेंज माई स्ट्रीम इन क्लास 12th? नो, यू कैन चेंज योर स्ट्रीम बट देयर इज़ अ वे कि तुम क्लास 11th रिपीट करो, जो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है. अगर तुमने क्लास, चलो तुमने साइंस ले ली सपोज करते हैं 11th क्लास में, तुम पास आउट हो गए, तुम 12th में आ गए, अब तुम स्ट्रीम अगर चेंज करोगे, अगर तुमने प्रिंसिपल से भी रिक्वेस्ट करी तो वो यही कहेगी तुम्हें 11th रिपीट करनी पड़ेगी. तो इससे अच्छा है कि तुम क्लास 11th तो पास कर ही ली, अब जैसे जैसे 12th भी पास कर लो, उसके बाद चाहे तुम अगर साइंस में ही आ गए, 12th भी तुमने पास कर ली, बोर्ड में लीनियर चेकिंग होती है वो पास कर देते हैं सब बच्चों को. साइंस में अगर तुमने 12th भी पास कर ली, तुम आगे जाके कॉलेज में अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेना. अगर तुम्हें लॉ में जाना है किसी और फील्ड में जाना है तो तुम आगे जाके चेंज कर लेना. बट एक साल अपना वेस्ट करना दोबारा क्लास 11th रिपीट करना, क्योंकि 12th में तो चेंज होगी नहीं, इज नॉट अ गुड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोलॉजी में एग्जाम आइडिया लेना जरूरी है? सी, क्लास 11th में तो मेरे पास ट्रू मैन थी और 12th में एग्जाम आइडिया आई थिंक इज द बेस्ट बुक. बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जौन सी बुक तुम्हें कंफर्टेबल लगती है तुम वही लो. बाद में पता चले ब्लेम कर रहे हैं एग्जाम आइडिया. वैसे मुझे तो एग्जाम आइडिया बेस्ट लगी थी. मेरे एग्जाम्स स्पेशली प्री बोर्ड के भी सारे एग्जाम आइडिया से ही आए थे स्कूल वाले. फिर ट्रू मैंस बुक इज़ सफिशियंट. हाँ, क्लास 11th के लिए मैंने भी उसी से पढ़ाई करी थी और क्लास 11th के मार्क्स इतना मैटर भी नहीं करते, क्लास 12th के ही मेन मैटर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुक्स फॉर क्लास 12th? सी, फिजिक्स में मेरे पास फिजिक्स में 11th में SL थी, केमिस्ट्री में प्रदीप थी और बायोलॉजी में ट्रू मैन थी, मैं बता चुकी हूँ. सब्जेक्ट इन क्लास 12th साइंस, मेडिकल नॉन मेडिकल? ओके, सो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th साइंस, मेडिकल नॉन मेडिकल? सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज. एक तो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये दोनों लेने ही पड़ते हैं साइंस में, इंग्लिश भी कंपलसरी है. फिर तुम्हारे पास ऑप्शन होता है मैथ्स और होम साइंस में और बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में, ठीक है? और अगर तुम लेते हो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस तो वो आएगा तुम्हारा नॉन मेड में. और अगर तुम बायोलॉजी और होम साइंस लेते हो तो वह तुम्हारा मेडिकल में आएगा. एडिशनल सब्जेक्ट्स में तुम कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने क्या किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश और एडिशनल में मैंने होम साइंस ले ली थी. एडिशनल में कोई भी तुम सब्जेक्ट ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स बहुत कम बच्चे लेते हैं और जितने लेते हैं ना, ये मतलब स्कूल की हिस्ट्री भी रह चुकी है, काफ़ी ज़्यादा फेल हो जाते हैं. क्योंकि एक तो इतने टफ सब्जेक्ट्स हैं और एडिशनल में लेना तुम ना फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें होता है कि एडिशनल बस पास ही तो होने हैं और तुम पढ़ाई नहीं करोगे इकोनॉमिक्स. तो अच्छा रहेगा कि अगर तुम कोई लाइट सा ईजी सा सब्जेक्ट लो एडिशनल में, जैसे मैंने भी होम साइंस लिया था. ओके, ऐसे भी अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से सिर्फ बेस्ट ऑफ 4 मैटर करेंगे. नेक्स्ट इज, आई हैव चूज PCB सो आई वॉन्ट टू आस्क दैट कैन आई टेक मैथ्स एज अ ऑप्शन? ऑफकोर्स येस, PCB मैथ्स तो ले ही सकते हो, और अगर होम साइंस में इनमें ले लिया है तो मैथ्स तुम एडिशनल में ले सकते हो. क्या साइंस PCB ठीक रहेगा? आई वॉन्ट टू बी अ प्रोग्रामर और डेवलपर, वेब डेवलपर. अगर तुम जस्ट अ सेकेंड,
पीसी बी ले रहे हो तो तुम कंप्यूटर साइंस नहीं ले रहे, तो मतलब तुम प्रोग्राम और वेब डेवलपर कैसे बनोगे? कंप्यूटर साइंस लेनी पड़ेगी, बायोलॉजी हटाओ, ये तो ऑब्वियस है. आई हैव टेकन पी सी बी बट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन बिकमिंग फैशन डिज़ाइनर, कैन यू प्लीज़ सजेस्ट मी? अगर तुमने पी सी बी ले लिया है, इलेवंथ क्लास है, तो ऑफकोर्स तुम स्ट्रीम चेंज कर सकते हो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके, पर अगर ट्वेल्थ क्लास है तो देन आई वुड सजेस्ट कि तुम ट्वेल्थ क्लास पूरी बस कंप्लीट कर लो, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग जो तुम सीधा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ही करोगे ना, तो उसके लिए ट्वेल्थ के मार्क्स तो वैसे भी मैटर नहीं करते. अगर तुम ट्वेल्थ क्लास में हो तो अपनी साइंस पूरी कंप्लीट कर लो, और दोबारा से इलेवंथ रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्वेल्थ में तो चेंज होगा नहीं सब्जेक्ट. और अगर इलेवंथ में हो तो और तुम्हें स्ट्रीम चेंज करनी है, साइंस थोड़ी हैवी भी है आर्ट्स के कंपैरिजन में, वैसे ऐसा दोनों ही अपनी जगह भारी हैं आर्ट्स और साइंस, बट स्टिल अगर तुम्हें चेंज करनी है तो इलेवेंथ में अगर हो तो आर्ट्स की तरफ जा सकते हो. वैसे भी इसमें ट्वेल्थ के मार्क्स तो मैटर करेंगे ही नहीं, तुम प्राइवेट कॉलेज से ही जाके करोगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से. नेक्स्ट इज साइंस वर्सेज आर्ट्स, विच इज़ बेटर? डिपेंड करता है कि तुम्हें आगे जाके क्या बनना है. अगर तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना और लॉ करनी है, और कुछ बच्चे होते हैं साइंस लेके फिर लॉ कर रहे होते हैं, इससे अच्छा आर्ट्स ही ले लो, इतना हैवी सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. आई एम स्टिल कन्फ्यूज इवन एट टू दिस डेट अबाउट वॉट टू चूज. हेयरिंग अबाउट ऑल द ऑप्शन मेक्स इट इवन हार्डर. आई एम एवरेज स्टूडेंट, सो कैन यू सजेस्ट मी? एवरेज स्टूडेंट यार, अपने आप को ना कभी भी ना डिग्रेड मत करो कि मैं एवरेज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. तुम अपनी कैपेबिलिटीज़ देखो. अगर एवरेज स्टूडेंट, तुम अपने आप को एवरेज कभी भी मत समझना, तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो. हर बच्चा किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो अच्छा होता ही है. जो तुम्हें स्ट्रीम अच्छी लग रही है उसी स्ट्रीम में जाके लो, ये नहीं कि किसी ने डिग्रेड कर दिया, हमें बोल दिया कि मैं एवरेज हूँ तो मेरे को आर्ट्स लेनी पड़ेगी. अगर तुम्हारे मार्क्स आए हैं, तुम साइंस पढ़ना चाहते हो तो लो यार, साइंस लो, क्यों नहीं ले रहे? और अगर आर्ट्स लेनी है तो आर्ट्स लो, अपने अकॉर्डिंगली करो. बाद में किसी को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. हेलो प्रियंका, दिस इज़ आई एम गोइंग टू क्लास 11th, आई एम कन्फ्यूज. ये सेम क्वेश्चन था, बहुत ही लंबा था, स्ट्रीम के बारे में ही था. हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट टाइम वाइल राइटिंग पेपर इन एग्जाम सो दैट वी कैन गेट एक्स्ट्रा टाइम फॉर चेकिंग आर पेपर? सी द बेस्ट थिंग इज़ कि जो तुम्हें आता है ना अच्छे से, जो तुमने रट्टा हुआ है क्वेश्चन, जो रट्टा मार मार के कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो हम रट के जाते हैं और आ जाते हैं, पहले वो वाले क्वेश्चन कर लो, ताकि एग्जामिनर भी स्टार्टिंग में जब चेक करेगा उसे लगेगा हाँ यार बच्चे को सारा कुछ आता भी है, और उससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा. तुम्हारा जितना भी लर्न पोर्शन है वो तुम लिखते रहोगे, और बाद में थिंकिंग पोर्शन के लिए जो तुमने अच्छे से लर्न नहीं किया या जो कच्चा पक्का आता है उसको बाद में पेपर के अटेम्प्ट करना. और वैसे भी यार सारा पढ़ के ही जाओ, आता होगा तो एक्स्ट्रा टाइम बच ही जाएगा पेपर में. नेक्स्ट इज क्लास 12th मैथ्स की ट्रिक. मैथ्स की कोई ट्रिक नहीं है एक्सेप्ट कि तुम मैथ्स में प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सो मैथ्स में सिर्फ प्रैक्टिस करो, उसकी कोई बेस्ट ट्रिक्स नहीं है. नया वाला एडिशन बुक, हाँ ये बहुत क्वेश्चन होता है, नया वाला एडिशन बुक ऑनलाइन कब आएगा, यहाँ पे कब आएगा, वहाँ पे कब आएगा. ऑनलाइन तो तुम देखो, नया एडिशन का बुक बहुत लेट लेट आता है, आधा साल बीत जाता है उसके बाद आता है, तो इससे अच्छा है तुम अपनी नियर बाय स्टेशनरी पे जाके, बुक शॉप पे जाके देखो, और वहीं से तुम डायरेक्ट न्यू एडिशन का बुक या तो ऑन ऑर्डर मंगवा लो. ऑनलाइन वेट मत करते रह जाना कि इस वेबसाइट पे आएगा, उस वेबसाइट पे आएगा, मैं वेट कर लेती हूँ. किसी भी स्टेशनरी से जाके अपना न्यू एडिशन का बुक ले लो. फिर मेडिकल लेकर लॉ कर सकते हैं, हाँ ऑफकोर्स कर सकते हैं. जिसको साइंस ईजी लगती है वो साइंस लेने के बाद, क्लास 12th के बाद क्लैट का एक एग्ज़ाम होता है कॉमन एंट्रेंस, तो वो दे के अगर रैंकिंग आ गई तो तुम लॉ कर सकते हो. दी क्या क्लास 12th के बोर्ड क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिकल बुक के क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये 30 मार्क्स वाले उसी में आते हैं, जो प्रैक्टिकल तुम्हारा पेपर होता है, और उसमें भी वो बहुत ईजी होता है. मोस्टली बच्चे 28, 29, 30 स्कोर कर लेते हैं. साइंस के लिए शुरू से कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? देखो अगर मैं बात करूँ शुरुआत से, तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही 2-2 घंटे पढ़ लो, और फिर आधे साल में जब तुम्हें आदत हो जाएगी तो 3 घंटे. ये मैं उसके लिए कह रही हूँ, सेल्फ स्टडी के लिए. ये मतलब ट्यूशंस को एक्सक्लूड करके टाइम बता रही हूँ कि 2-2, 3-3 घंटे तुम्हें वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा यार, नहीं तो कैसे पास होगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई प्रिपेयर फॉर क्लास 11th एग्जाम बाय ओनली एनसीईआरटी? येस, केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी तो बेस्ट है, बायोलॉजी भी, बायोलॉजी के लिए भी अच्छी है एनसीईआरटी. नेक्स्ट इज आई हैव टेकन पी सी बी इन क्लास 11th दिस ईयर एंड द क्लासेज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, बट नाउ आई एम कन्फ्यूज अबाउट वट वुड आई डू आफ्टर क्लास 12th. कैन यू टेल मी अबाउट वट कैन आई डू एक्सेप्ट इंजीनियरिंग? ओके, सो पी सी एम लिया हुआ है, क्या क्या कर सकते हैं? आर्किटेक्ट, बी एस सी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एनिमेशन ग्राफिक्स,
कॉमर्शियल पायलट बन सकते हो, जिसके लिए तुम्हें बीएससी एविएशन साइंस करनी पड़ेगी, इसके बारे में नेट में सर्च कर लेना, और इंडियन नेवी, या फिर अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो और तुमने बस ऐसे ही ले लिया पीसीएम, तो तुम ऑफकोर्स अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, दूसरी स्ट्रीम्स में भी जा सकते हो अगर ये सारे ऑप्शन भी पसंद नहीं है तो। अनदर थिंग, ओके, सो इट कुछ हट के सवाल हैं, सो इनको देखते हैं कि इट्स सिंपल में जो इट्स है, किसी ने स्टेटमेंट दी थी, ये क्वेश्चन नहीं था, इट्स इज नथिंग, देर इज ओनली आई टी अपोस्ट्रोफी एस, मतलब यही वर्ड होता है और इट्स कुछ होता ही नहीं है। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ एग्जाम्पल कि इट्स बीन रेनिंग फॉर अ वीक एंड नाउ इट्स स्टार्टिंग टू स्नो, इसका मतलब क्या हुआ आई टी अपोस्ट्रोफी एस का यहाँ पे, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ वीक एंड नाउ इट इज स्टार्टिंग टू स्नो, मतलब कि आई टी अपोस्ट्रोफी एस दो जगहों पर यूज होता है, इट हैज़ और इट इज के लिए, दैट इज इट्स यूज फॉर इट इज एंड इट हैज़। सो ये एक रूल है 100%, तुम देख सकते हो किसी भी ग्रामर की बुक में, इफ़ यू कैनॉट एक्सपैंड योर आई टी अपोस्ट्रोफी एस टू इट इज और इट हैज़ देन इट इज रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखो कि दीज आर इट्स फुटप्रिंट्स, ठीक है, क्या तुम इसको इट इज़ या इट हैज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, दीज आर इट इज़ फुटप्रिंट्स, गलत हो जाएगा, दीज आर इट हैज़ फुटप्रिंट्स, गलत हो जाएगा ना, तो यहाँ पे तुम विदाउट अपोस्ट्रोफी लिखोगे, दीज आर इट्स फुटप्रिंट्स, ठीक है, तो मतलब दिस प्रूव्स कि इट्स वर्ड एग्जिस्ट करता है। अनदर क्वेश्चन इज व्हाई इट्स सिंपल एंड नॉट आई टी अपोस्ट्रोफी एस सिंपल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऑफ टाइपिंग, लेट मी शो यू वन थिंग, अगर मुझे इट्स सिंपल टाइप करना है तो मैं डायरेक्टली इट्स सिंपल टाइप करूंगी, कौन ऐसे लिखेगा कैपिटल आई टी अपोस्ट्रोफी दूसरे पेज पे जाके फिर एस फिर स्पेस फिर कैपिटल एस फिर सिंपल, कोई ऐसे नहीं लिखता ना, दैट्स व्हाई इट्स सिंपल। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।